नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ होम हैक्स शेयर कर रही हूँ। इन हैक्स की हेल्प से आप अपने घर और किचन को और भी ज़्यादा नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दिन की शुरुआत मंदिर से होती है। मंदिर की चीजों को ऑर्गेनाइज रखना जरूरी है, लेकिन उसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो हमारी जली हुई बत्तियां, माचिस की तिल्ली या फिर धूप बत्ती होती है, उसे कलेक्ट करने के लिए आप मंदिर में एक बोल रख सकते हैं। और जब ये बोल एक बार फुल हो जाए तब आप इसे डिस्कार्ड कर दीजिए। अब डिस्कार्ड करने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ईजी सा वे बता रही हूँ। आपको बस एक मिट्टी का बर्तन लेना है और जो भी आपकी माचिस की तिल्लियाँ रुई हैं उसे आप इसमें ट्रांसफ़र कर दें। बेसिकली अगर आप रुई को इधर उधर कहीं पर भी डालते हैं तो वो गलती नहीं है, वो एज इट इज़ इसी फॉर्म में सालों साल चलती जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा कपूर लेती हूँ और इस तरीके से उसे लिट कर देती हूँ। और जब एक बार कम्प्लीटली जल जाएगा, जो इसका कार्बन रह जाएगा, उसे आप जो भी आपके घर में या बालकनी में जो भी गमले हैं उसमें आप इसे ट्रांसफ़र कर दें। ऐसा करने से आपकी रुई अच्छी तरीके से गल भी गई, आप इसको मंदिर का जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे आप इधर उधर फेंकने की जगह अपने घर में ही एज अ खाद इस्तेमाल भी कर रहे हैं। घर को प्रॉपरली मेंटेन रखने के लिए एक प्रॉपर टूल किट रखनी भी ज़रूरी है। तो आप इस तरीके की एक छोटी सी हैंडी टूल किट अपने पास डेफिनेटली हैंडी रख सकते हैं, जिसे कैरी करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और इसके साथ में आपको एक छोटा सा हैमर, इंच टेप, स्क्रू ड्राइवर्स, प्लायर और आपको मिलता है कटर। सो बेसिकली इसके अंदर जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, आपके घर में अगर कोई भी चीज़, यू नो, किचन में कुछ कैबिनेट में स्क्रू लूज हो जाए तो उसे टाइटन अप करने के लिए ये किट एकदम परफेक्ट है। आप इसे ईजिली कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं और एक ही जगह पर आपको जितने भी टूल्स हैं वो ईजिली मिल जाएंगे। बस उसमें से वो टूल पिक करिए, स्क्रू को टाइट करिए एंड देन यू कैन कीप इट बैक। ये है प्लांट वेलक्रो टेप, यानी कि अगर आपके घर में कोई क्रीपर या फिर क्लाइंबर प्लांट है और वो कुछ इस तरीके से इधर उधर गिरता रहता है तो उसको एक जगह पर अच्छे से फिक्स करने के लिए आप इस टेप का डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो हिबिस्कस का प्लांट है, आप देखोगे कि उसकी जो ये ब्रांच है वो इधर उधर गिरती रहती है। तो बस आपको एक छोटा सा वेलक्रो टेप सीजर की हेल्प से कुछ इस तरीके से कट करना है और आप इसे वॉल के ऊपर इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। मैं बेसिकली इसे नेट पर कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे वॉल पर भी फिक्स कर सकते हैं या फिर कोई स्टिक लगा करके उसके सहारे भी आप प्लांट को एकदम स्ट्रेट उसको मेंटेन करके रख सकेंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि वॉल पर ये जो वॉल आर्ट्स हैं क्या मैं उन्हें टेप की हेल्प से लगाती हूँ? बिल्कुल नहीं, इसे लगाने के लिए मैं नेल का ही यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी नेल लगाते टाइम हमारे हाथ पर लग जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, जब भी आप नेल नेक्स्ट टाइम लगा रहे हों, एक कपड़े सुखाने वाली जो क्लॉथ पिन होती है उसे नेल के बीचों बीच कुछ इस तरीके से फंसा दीजिए और उसके बाद में आपको जहाँ पर भी नेल लगाना है बस हैमर की हेल्प से उसे हिट करिए, आपके हाथ पर नहीं लगेगी और नेल अच्छे से वॉल पर फिक्स भी हो जाएगी। या फिर आप कुछ इस तरीके से प्लायर्स जो होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। प्लायर को भी आपको नेल के बीचों बीच फिक्स करके हैमर से हिट करना है। दोनों ही मेथड एकदम अच्छी तरीके से काम करते हैं। सोफा लाइट कलर का हो या फिर डार्क, डस्ट उसमें डेफिनेटली एक्यूमुलेट होगी। और अगर आपके पास में लिंट रोलर नहीं है तो इस डस्ट पार्टिकल को हटाने के लिए आप सेलो टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस सेलो टेप को कुछ इस तरीके से अपने फिंगर्स के अक्रॉस आपको रैप करना है और जहां पर भी आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं अपने सोफे या फिर अपहोल्स्ट्री के ऊपर उसके ऊपर डैप करिए एंड सी कि जितना भी डस्ट होगा वो सारा का सारा स्टेप में आ जाएगा। अब अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनके हेयर्स अगर आपके अपहोल्स्ट्री पे आकर के स्टक हो जाते हैं तो हेयर्स को हटाने के लिए भी आप सेलो टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपको लिंट रोलर नहीं मिलता है तो जस्ट यूज दिस हैक एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपके लिए यूजफुल होती है या नहीं। एयर फ्रायर में खाना हेल्दी बनता है,
लड़की ने जो फ्राइंग बास्केट होती है वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप इस तरीके के सिलिकॉन फ्राइंग बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में हैंडल आया है जिसकी वजह से इसे एक्सेस करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसको आप बहुत आराम से अपनी फ्राइंग बास्केट के अंदर लगा सकते हैं। ये एकदम स्टैंडर्ड साइज़ है, तो आपके पास कोई भी तरीके का एयर फ्रायर हो ये बास्केट उसके अंदर फिट हो जाएगी। अब जो भी चीज़ आप एयर फ्राई कर रहे हैं उसके जो क्रम्स होंगे वो आपके जो एयर फ्रायर का जो बास्केट है उस पर नहीं आएगा। वो सारा का सारा क्रम के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके सिलिकॉन मैट या फिर सिलिकॉन बास्केट में आकर के अटकेंगे, जिसको आप बहुत ईजिली अपनी फ्राइंग बास्केट से निकाल करके वापस से वॉश कर सकते हैं, यानी कि आप इसे रीयूज भी कर सकते हैं बार बार। अगर आपके घर में बच्चे हैं और वुडन फर्नीचर पर हाइलाइटर या फिर परमानेंट मार्कर के स्पॉट्स हैं तो उन्हें हटाने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा टूथपेस्ट लेना है और किसी भी गीले कपड़े की हेल्प से आप इसे उस जगह पर स्क्रब करिए जहाँ पर मार्क्स हैं। विद इन फ्यू सेकेंड सारे के सारे जितने भी स्टेन्स हैं या जो मार्क हैं वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे। एंड एक और प्रो टिप, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इस तरीके से एक बेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ डाइनिंग टेबल कवर, और उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर भी ज़रूर लगाएं ताकि आपका जो कपड़ा है फैब्रिक है वो गंदा ना हो। Recently, I saw this product on Amazon and I was so excited to test it out. और जो भी मेरे genuine reviews हों वो आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करूँ। So basically, ये एक dish cleaning cloth है, यानी बर्तनों को साफ करने के लिए एक scrubber है जो कि set of 10 में आता है। यानी कि ये एक perfect replacement है steel wool का। आप इससे अपने नॉनस्टिक बर्तनों को भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, और जो बर्तन एकदम जल जाते हैं या फिर इस तरीके से मलाई इकट्ठा हो जाती है उसे हटाने के लिए भी इसी क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको जो स्टील वूल है, जो लोहे का जूना होता है, उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसकी हेल्प से जले हुए बर्तनों को बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हैं, और जो आपके नॉर्मल बर्तन हैं उनको भी डेफिनेटली आप क्लीन कर सकते हैं। ये आपके नॉर्मल स्क्रबर और स्टील वूल दोनों का एक रिप्लेसमेंट है। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सो आई थॉट कि आप सबके साथ में इसे ज़रूर शेयर करूँ। गैस के ऊपर चढ़ी हुई गर्म कढ़ाई के लिड को जब हम किचन टावल से उठाते हैं तो कभी कभी चांसेस होते हैं कि टावल जल सकता है। तो इन सारी ही चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप एक छोटा सा DIY करके पॉट हैंडल बना सकते हैं, जिसको बहुत आराम से आप एक्सेस भी कर सकते हैं एंड आपके हाथ भी बिल्कुल नहीं जलेंगे। तो इस DIY के लिए आपको फोम शीट और फैब्रिक चाहिए रहेगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर फोम शीट के ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। सेमी सर्कल आपको ड्रॉ करना है आपके पॉट के हैंडल के साइज़ के अकॉर्डिंगली। अब सेम सेमी सर्कल मैं फैब्रिक के ऊपर भी कट करूँगी। सो बेसिकली आपको दो फैब्रिक कट करने हैं और एक फोम शीट। अब इस फोम शीट को हम कवर करेंगे फैब्रिक से फ्रंट और बैक में, और इसे हम स्टिच कर देंगे। यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप कट करी है जिसकी हेल्प से हम लूप बनाएंगे, और इस लूप को आपको सेमी सर्कल के एकदम सेंटर पे रखना है, और उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से कोन का शेप बनाना है। अब आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू से भी इसको फिक्स कर सकते हैं, स्टिच कर दें, या फिर नॉर्मल नीडल एंड थ्रेड से भी आप इसे स्टिच कर सकते हैं। एंड देखिए कितने आराम से आप इसे हैंग कर पाएंगे, एंड जब भी आपको यूज़ करना होगा आप इसे लिड को ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके घर में बालकनी एंड टेरेस है तो उसे मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। स्पेशली मेश डोर में से डस्ट को रिमूव करने के लिए ये जो एक स्प्रेयर गन है वो एकदम परफेक्ट चीज़ है, जिसे रिसेंटली मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है। और यहाँ पर आपको मिलते हैं 7 मोड स्प्रे गन, यानी कि आप पानी को किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, सेटिंग को ऊपर नीचे सेलेक्ट करके आप उस हिसाब से वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपको पाइप को कुछ इस तरीके से स्प्रेयर गन के एक एंड में कनेक्ट करना है, एंड देन यू आर गुड टू गो टू यूज़ दिस फॉर क्लीनिंग योर प्लांट्स और टू क्लीन योर बालकनी और मेश डोर्स। अब जो 7 मोड्स हैं आप अपने हिसाब से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। पानी के प्रेशर को और फोर्स को मेंटेन करके आप प्लांट्स को बहुत अच्छे तरीके से डीप क्लीन कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ को अपने घर में ये जो बालकनी में मेश डोर्स लगे हुए हैं उन्हें क्लीन करने के लिए डेफिनेटली परचेज किया है। बहुत तेज प्रेशर में पानी आता है जिसकी वजह से बहुत आराम से जो मेश डोर्स हैं या जो नेट लगा हुआ है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। 30 मीटर लॉन्ग पाइप जो कि मेरी दोनों बालकनीज को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेता है। स्कूल आते जाते टाइम बच्चों के कपड़ों पर डेफिनेटली इंक के स्पॉट्स दिख ही जाते हैं,
तो उन्हें क्लीन करने के लिए आपको बस टूथपेस्ट की ज़रूरत है। जहाँ पर भी आपको इंक के स्पॉट्स दिखते हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाइए, पानी को यूज़ करके इसे स्क्रब करिए एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स यू विल सी कि जो आपके इंक के मार्क हैं वो गायब होने शुरू हो जाएंगे। जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो कि आपके लिए भी ये ट्रिक काम करती है या नहीं। दैट्स इट, ये था आज का वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।